और आज अगर देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, देश के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बोलते हैं गुजरों के बारे में, गुजर बकर वालों के बारे में, तो और जब हम इनकी बात करते हैं तो हमें कहते हैं गए बीजेपी में, मिल गए बीजेपी से, डर रहे बीजेपी से, ईडी आ गई, इनकम टैक्स आ गई, तो पहले जरूर लगे हैं इस तरह के केस। मायावती बहन कुमारी मायावती किसी से डरती नहीं है, कि वहां जो 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 वहां के जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 पीढ़ियों रिश्तेदारी कर ली, क्या कभी किसी प्लेटफॉर्म पे आके, क्या कभी देश की संसद में आके वहां के गुजर मुसलमानों के, गुजर बकर वालों के बारे में क्या कभी इन्होंने संसद में कोई मांग रखी है? अगर नहीं रखी तो क्यों नहीं रखी, बताएं ये बात विरोध करने के बजाय। और आज अगर देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, देश के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बोलते हैं ठीक गुजरों के बारे में, गुजर बकर वालों के बारे में, तो दिक्कत होती है। और जब हम इनकी बात करते हैं तो हमें कहते हैं गए बीजेपी में, मिल गए बीजेपी से, डर रहे बीजेपी से, ईडी आ गई, इनकम टैक्स आ गई। अरे आज तक तो आई नहीं, कभी पता नहीं कब आएगी। हाँ, तुम्हारी सरकार के समय पे जरूर ऐसे अधिक संपत्ति के केस तुम लोगों ने लगाए थे और पार्टी। अध्यक्ष जी खत्म कर रहा हूँ, बस प्लीज खत्म कर दीजिए तुरंत। हाँ, तो पहले जरूर लगे हैं इस तरह के केस। मायावती बहन कुमारी मायावती किसी से डरती नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, कुमारी बहन मायावती हमेशा समाप्त पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आगे आती रही है, और देश उनको सबसे पहले दिखता है और देश के लोग सबसे पहले दिखते हैं। और जहां भी पिछड़ों की बात आती है, जहां भी दलितों की बात आती है, आगे हमेशा आगे बढ़ करके हमेशा पिछड़ों के लिए खड़े रहते हैं। तो ये करा इन्होंने कुछ नहीं, गलत भी इन्होंने करा, बदनाम भी यही कर रहे हैं, ईडी की बात भी यही फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो अच्छा लगता है, और आज जब पिछले दिनों पिछड़ों की बात आई, सो खत्म कर रहा हूँ बस, मेरी पार्टी 10 MP खत्म कर रहा हूँ बस। आज जब पिछड़ों की बात आ रही है, कहीं मुख्यमंत्री पिछड़े बन रहे हैं, कहीं दलित बन रहे हैं, तो एक बढ़िया सी लहर जा रही है। तो आज तो मजबूरी है सबकी, पिछड़ों की बात करनी ही पड़ेगी, और इनका हक भी बैठता है, और इनको जो पिछले दिनों 68-70 साल में नहीं मिला, इनका हक मिलना चाहिए। एक बात कह के मैं अपनी समापन करूंगा अध्यक्ष जी, एक मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से सरकार से, कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो बगैर तनख्वाह के लोग लड़ाइयां लड़ते हैं उग्रवादियों से भी और वहां की फौज से भी, तो उनके लिए और उनके लेडीज के लिए, उनकी लड़कियों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री से नजदीकी एरिया पे उनके लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, उनके लिए कॉलेज बनाया जाए और एक SEZ बनाया जाए जहां वहां लोगों को रोजगार और लोगों को नौकरियां मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।